चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आवेशी समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज प्लेन कंडक्टर इज। चलिए फटाफट यहां पे आंसर करेंगे। आवेशी समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ए बी सी या डी। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे सही आंसर जो भी ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एकदम याद करते चलेंगे। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? बिल्कुल टाइम जो है 7 बजे है, तो आप लोग जो है क्लास में 6:55 में आ जाओ। 7 बजे का क्लास शुरू हो रही है ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। 6:55 में एकदम लाइव बने रहो, 7 बजे ऑटोमेटिक आपका लाइव शुरू हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपसे क्वेश्चन मिस ना हो जाए। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव वी के बीच कौन सा संबंध सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए सीधा सी बात है, ई और वी के बीच आपका रिलेशन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बहुत अच्छे, 2 का भी आंसर आने लगा है, जबरदस्त। ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं। राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, E is equal to, जो भी ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए एकदम राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, सभी याद करते चलेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो बस याद करते चलना है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता क्या होती है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इज। चलिए बहुत अच्छे सैलिक, जबरदस्त आंसर आया आप सभी का। शमशेर कुमारी, उषा सिन्हा, अनिल यादव, सभी ने सही। तकनीक पर टांडो, ठीक है, आप भी जुड़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता। चलिए छपरा वाले भी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे। चलिए 3 का राइट आंसर आना शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर 1। बहुत अच्छे सैलिक, एकदम जबरदस्त आंसर किए हुए, और सैलिक तो अभिषेक ट्यूटोरियल भी लिख लिए हैं। चलिए बहुत अच्छे, ये आपका प्यार दर्शाता है, शुक्रिया, ठीक है। जिनका भी दिल करे आप अपने नाम के बाद अभिषेक ट्यूटोरियल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, बिहार बोर्ड में कई बार पूछ चुका है ये, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। मीटर का प्रतिरोध जी है और वोल्टा मीटर का प्रतिरोध वी है, इनके बीच कौन सा रिलेशन होगा? यानी पूछ रहा है कि जी और वी के बीच रिलेशन बताना है, जिसमें जी जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और वी जो है रेजिस्टेंस है वोल्टा मीटर का। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए हमेशा याद रखिएगा कि वोल्टा मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो भी ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही आंसर, हमेशा याद रखिएगा कि वोल्टा मीटर जो होता है वो गैल्वेनोमीटर से बड़ा होता है, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा क्या होता है? विभव मापी, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज या गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट आंसर करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा कौन है? क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सैलिक, सबकी जिंदगी बदलेगी जबरदस्त तरीके से, बस डेली क्लास में एकदम बने रहना है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत भीआई है, बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा जो है वो क्या होता है? मीटर ब्रिज होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर 6। आप थोड़ा लाइव क्लास में एकदम बने रहे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड अपॉन इट्स।
चलिए जबरदस्त आंसर करें। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट के व्यास पे, द्रव्यमान पे या पदार्थ की प्रकृति पे? क्वेश्चन नंबर 7। देखो रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि किसी भी रेजिस्टेंस जो है किस पर डिपेंड करता है, तो बहुत लोग बोलेंगे सर लंबाई पे, द्रव्यमान पे, लेकिन याद रखिएगा जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ जो है वो किस चीज का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे, 7 का ऑप्शन नंबर डी पे काफी बच्चे गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अच्छे। चलिए जो भी डी पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर सही है, डी वाले भैया एकदम खुश हो जाए, है ना। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। किरचॉफ के बिंदु नियम में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व इन किरचॉफ पॉइंट रूल? ठीक है, पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या संरक्षित रहता है किरचॉफ में, क्या संरक्षित रहता है, क्या कंजर्व रहता है? क्वेश्चन नंबर 8 एकदम डेली क्लास में आइए, एग्जाम में 35 में 35 नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, 35 ऑब्जेक्टिव में 35 आपका होगा, ये 100% फुल गारंटी है, लेकिन क्लास जो है डेली करनी होगी, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना होगा, ठीक है। अभी से लेकर एकदम फाइनल एग्जाम तक क्लास चलती रहेगी, ऑप्शन बी के साथ बच्चे जा रहे हैं और बहुत अच्छे ऑप्शन बी, याद रखिएगा किरचॉफ में चार्ज जो है बहुत संरक्षित रहता है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है? धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज? धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की कैसी कैसी होती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एवरेज या डी एक्सेलरेटेड? धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति बताना है, फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 के, बहुत इजी क्वेश्चन है और सीधी बोर्ड एग्जाम में आने वाले, क्या बात है, एकदम धमाल मचा दिए क्वेश्चन नंबर 9 में, राइट आंसर याद रखिएगा है ना, इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? एक्सेलरेटेड होती है, ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे जा रहे हैं, त्वरित होती रहती है, याद रखिएगा त्वरित होती रहती है ना। सर हम डेली क्लास करते हैं, नेट खत्म था, रिचार्ज करके करते हैं क्लास, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ऐसा ही क्लास के प्रति जो है ना आपका नजरिया होना चाहिए कि एक भी क्लास मिस ना हो जाए। देखो 7 बजे क्लास होती है ना, तो आपको रेडी हो जाना है एकदम 6:55 में, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, एक भी क्वेश्चन नहीं। ऐसा नहीं कि हम 7 बजे आएंगे तो आप आओगे 7:10 में, तो 10 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहां से 2-3 चीज याद रखिएगा, ठीक है। पूछ रहा है क्या, पावर पूछ रहा है, पी क्या होता है? तो पी बराबर सबसे पहले याद रखिएगा पी इज इक्वल टू होता है वी आई, ये भी याद रखना है, और वी बराबर क्या होता है बाबू, आई आर होता है। जब यहां से अगर पी का मान निकाले, यहां से अगर पी का मान निकाले, ठीक है एकदम ध्यान से देखना, यहां से अगर पी का मान निकाले तो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यानी हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सब याद रखना है, ठीक है, इन तीनों को याद रखना है 100%, इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चल बहुत अच्छे जबरदस्त आंसर किए हैं आप लोग, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए कौन सही होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड? क्या पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर कौन सा बल सही होगा, ए बी सी या डी? एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर आना चाहिए, है ना। क्लास में ये सोचकर जुड़ना है कि हम जो है एकदम तैयारी कर रहे हैं जंग की, है ना, बस 1 घंटे क्लास में रहना है डेली और इस तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी एकदम बल्ले बल्ले, है ना। चलिए आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे जा रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए जिनका भी बी है बहुत अच्छे, जिनको नहीं याद है वो भी याद करते चले। अगला सवाल देखिए, चुंबकीय फ्लक्स है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, फैराडे, टेस्ला या वेबर? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छे, याद रखिएगा, है ना,
ये बेबर है, देवर नहीं समझिएगा, याद कैसे रखिएगा बेबर को, याद रखिएगा जहां भी फ्लक्स फ्लक्स दिख जाए, है ना, फ्लक्स है यानी कि देवर, है ना, याद रखिएगा बेबर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो देवर था बहुत ही फ्लेक्सिबल था, समझ रहे हो, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, तभी नहीं भूलोगे जिंदगी में आज के बाद। जिस परिपथ में सीप प्रतिरोध होता है, जिस परिपथ में सीप प्रतिरोध होता है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है? पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। जिस परिपथ में सीप प्रतिरोध होता है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ये अपन एक एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शुरू में ही बताया था कि जो मैं टॉप 2000 क्वेश्चन जो लाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपका जो होगा बहुत जबरदस्त होगा, जो कि आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कितना भी आप गेस पेपर गाइड पेपर खरीद लीजिए, कहीं नहीं मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन। चलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ, धमाल मचा दिए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन यहां देखिए। याद रखिएगा जब भी आपका प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान पूछे तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, पीक करंट अपॉन रूट टू, क्या होगा, पीक करंट अपॉन रूट टू। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चे जुड़े याद रखिए 7 बजे से डेली लाइव क्लास होती है ना, एक दिन फिजिक्स और एक दिन केमिस्ट्री की, उसके बाद यहाँ पे रात में 8:45 में फिर एक क्लास होती है और वो क्लास होती है हिंदी और इंग्लिश की। जैसे रात 8:45 में आज कौन सी क्लास है, तो आज हिंदी क्लास है। डेली क्लास में इस चीज को बताते हैं और डेली आप लोग भूल जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है, बीएच जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है और डेल्टा जो है नमन कोण है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सही होगा। चलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र जो है ऊपर रख देंगे कि भैया तुम चुंबक हो तुम ऊपर चले जाओ, और क्षैतिज घटक कॉस डेल्टा के साथ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए अगला सवाल, चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होती है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वीएन ब्रांड, पीडीएफ कैसे मिलेगा सर, नो नीड टू पीडीएफ माय डियर, ठीक है। पीडीएफ लेकर क्या करोगे, पीडीएफ कितना लोगे, अभी से हम क्लास ले रहे हैं और आपका कब तक क्लास लेंगे, जब तक आपका फरवरी तक क्लास चलता रहेगा, है ना। कितना पीडीएफ लोगे, डेली क्लास में लाओ, डेली क्लास में आओ, पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं होगी, पीडीएफ लेके रखिएगा तो आपका जंग लग जाएगा, डेली क्लास में लाइए, खुद को माइंड को साफ कीजिए। बताइए चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या है, क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते रहते हैं तो आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। चुंबकन तीव्रता की इकाई घर पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं रिपीट भी कर देता हूं, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। चलिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, तब आपका जो मार्क्स है ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, तो आपको लगेगा हाँ तैयारी सही जा रही है। मैग्नेटिक मेरिडियन इज, चुंबकीय या मोत्तर क्या है, एक बिंदु एक रेखा एक क्षैतिज तल एक उद्भाद। देखो हम मार्केट से कितनी भी सुंदर छुरी खरीद ले, है ना, चाकू खरीद ले और उसे यूज नहीं करे तो वो क्या होगा, उसका धार, और पुराना से पुराना छुरी हो और उसका धार, दोनों में कौन तेज रहेगा, जो डेली यूज हो रहा होगा एकदम छपा छप रहेगा, है ना, लेकिन जो पैकेट में रखा हुआ है एकदम क्या हो जाएगा, कहानी खत्म। चलिए चुंबकीय मोत्तर, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे जबरदस्त,
अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, ठीक है, फटाफट आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, चलिए बहुत अच्छे याद रखिएगा, आई थिंक ये सबको पता होगा, 19 का एक एक बच्चा आंसर करेगा। बताइए सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या क्या होगी? अनिल यादव भी आंसर करते हुए बिल्कुल सही जवाब है, सर दोनों रहेगा तो अच्छा रहेगा सर ना, नहीं नहीं ना बाबू, ए और सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देखो समान आंख लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, न्यूनतम दूरी नहीं पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, याद रखिएगा फोकल लेंथ, क्वेश्चन नंबर 20, फोकल लेंथ, बताइए फटाफट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। देखो फोकस दूरी जब पूछे ना तो 2 सेंटीमीटर पे क्लिक करना, फोकस दूरी क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी, लेकिन जब न्यूनतम दूरी पूछेगा तो हम 25 सेंटीमीटर पर जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समझ रहे हो इस चीज को, ये फोकस दूरी पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, अगर न्यूनतम दूरी पूछेगा ना कि न्यूनतम दूरी क्या होता है तो आप 25 सेंटीमीटर के साथ जाओगे, ठीक है, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, गलती मत कर देना, 2 सेंटीमीटर होगा इसका, ठीक है, न्यूनतम फोकस दूरी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, क्लियर ना। चल अगला सवाल, हीरा का क्रांति कोण क्या होता है? हीरा का क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, हीरा का क्रांति कोण क्या होता है, फटाफट आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, चलिए बहुत अच्छी, क्वेश्चन नंबर 21 याद रखिएगा, हीरा का जो क्रांति कोण होता है ना वो 24.41 होता है, इसको एकदम रट लीजिएगा, है ना, हीरा याद रखिएगा 24.41, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दो संपर्कित उत्तल लेंस, ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि दो संपर्कित उत्तल लेंस का समतुल्य लेंस क्या होगा? द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कन्वेक्स लेंस इन कॉन्टेक्ट इज, उत्तल अवतल बेलनाकार या सम, इंग्लिश देख लो, कन्वेक्स कॉन्केव सिलेंड्रिकल या ऑप्शन नंबर, क्योंकि लेंस में हिंदी में नहीं समझ पाते हैं बच्चे, है ना, बेलनाकार अगर बोलते तो उनको बेलन का याद आ जाएगा। चलिए 22 का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कॉन्वेक्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तल लेंस ही होगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, उत्तल लेंस का समतुल्य लेंस उत्तल लेंस ही होगा ना, सिंपल सी बात है। अगला, प्रकाश तंतु द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर प्रावर्तन प्रकीर्णन विवर्तन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, क्या पूछा है, प्रकाशी तंतु का मूल सिद्धांत क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर का, देखो ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या है, वो क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर देता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कर देता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, सभी का आंसर आता हुआ। देखो क्लास जो है ना डेली 7 बजे से चलती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो आप लोग जो है एकदम टाइम से एकदम आया करें, एक भी मिनट आगे पीछे एकदम नहीं करना है, 6:55 में आपको एकदम रेडी हो जाना है, ठीक है, ताकि आपकी सही तरीके से तैयारी हो सके, इस तरह से क्लास में आना है कि आपको फील करना है कि हम डेली रात में 7 से 8 जो है कोचिंग क्लास करते हैं, जब ये फीलिंग ले आओगे ना तब आपकी तैयारी होगी, 7 से 8 हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ये फीलिंग लाना है कि 8:45 से 10:15 तक जो है हम यहाँ पे रात में हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लास में अगर आते हो ये सोचकर तब आप तैयारी कर रहे हो, ऐसे नहीं कि जब मन तब हम मोबाइल लिए यूट्यूब खोले क्लास दिख गया तो 5 मिनट क्लास में रहे और फिर चले दिए, तो बहुत तैयारी जो है उसी लेवल की होगी, समझ रहे हो इस चीज को। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आंख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी। देखिए अब आ गया, अब पूछ दिया क्या, लिस्ट डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस। बायो का आफ्टर दशहरा बायो का शुरू हो जाएगा मुस्कान, नो नीड टू वरी। बताइए समान आंख की न्यूनतम दूरी। अब देखो यहां पे दोनों याद रखिएगा, फोकल लेंथ अगर पूछ देगा, अगर आपसे पूछ देगा कि फोकल लेंथ क्या होता है ना, फोकल लेंथ पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर। लेकिन जब लिस्ट डिस्टेंस पूछेगा, लिस्ट डिस्टेंस पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। यहां पे लिस्ट डिस्टेंस पूछा है ना, लिस्ट डिस्टेंस पूछा है तो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोनों याद रखिएगा, फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर और लिस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या हो, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना सही है। चलिए आप लोग ने पहले ये बताओ, कौन लोग चाहते हो मैथ शुरू हो जाए और कौन लोग चाहते हो बायो शुरू हो जाए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश तो आपका चल ही रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश क्लास चल रही है, बच गए मैथ और बायो। तो कितने लोग मैथ वाले हो, कितने लोग बायो वाले, लाइव चैट में बताओ अभी। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना सही है, क्वेश्चन नंबर 25, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है इंद्रधनुष वाला, आप लोग को पता होगा, डिस्पर्शन, इसमें लाइट क्या होता है, एक देखते हैं फैल जाता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, एकदम फैल जाता है। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, ठेठ में बोले तो छितराना, ठीक है, अगर ठेठ में बोले ठेठ हिंदी तो छितरा जाता है प्रकाश, उसी को बोलते हैं बर्न पीछे कर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैथ मैथ बायो 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 मैथ बायो यानी मैथ बायो, चलिए दोनों एक साथ शुरू होगा, घबराना नहीं है, मैथ बायो दोनों एक साथ शुरू करेंगे, है ना, आफ्टर दशहरा और आपका मैथ भी शुरू कर देंगे और बायो भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बस आप 9 अक्टूबर तक थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है, उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। किस रंग के प्रकाश के कांच का वर्तमानांक अधिक होता है, आपको ये फील करवा देंगे कि आप जितना कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं उतना आप अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे फ्री में पढ़ लीजिएगा, ये आपको फील करवा देंगे। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का वर्तमानांक अधिक होता है, लाल बैगनी हरा या नीला, क्वेश्चन नंबर 26 है। अब देखो बच्चे इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें बच्चे टिक कर देंगे लाल पे, याद रखिएगा अपवर्तनांक पूछ रहा है ना कि तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। तरंग दैर्ध्य किसी का हाईएस्ट है, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा उसका अपवर्तनांक सबसे कम, ठीक है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, इस तरह का इसमें बनता है केस, ठीक है। तो आपको लाल के साथ नहीं जाना है, किसके साथ जाना है, 26, बताइए फटाफट। चलिए बहुत अच्छे, वायलेट के साथ जा रहे हैं, एकदम धमाल मचा दिया, ऑप्शन नंबर बी एकदम बल्ले बल्ले, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल, क्यों, क्योंकि बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, अगर यही पूछता सबसे कम तो हम रेड के साथ जाते, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला सवाल, विनाशकारी व्यतिकरण, द पथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा, पथ डिफरेंस क्या होगा, बताइए फटाफट आंसर करेंगे, ए बी सी या डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आज रात की जो क्लास है 8:45 में हिंदी की, इसे मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। रात में देखा जाता है बच्चे जो है थोड़े बहुत आलसी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, अभी आलस को त्यागना है। चलिए याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, व्यतिकरण का पथांतर जो है वो होता है 2n+1, है ना, लैम्डा बाई 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28,
28 क्या है, प्रकाश की अनुपस्थित रंग प्रकृति को कौन घटना पुष्टि करता है? Which of the following phenomena confirms the transverse wave nature of light? प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग प्रकृति को कौन घटना पुष्टि करता है? परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण या ध्रुवीकरण? 28 एकदम जबरदस्त आंसर करते रहना है। प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग प्रकृति को कौन घटना पुष्टि करता है? 28। चलिए बहुत अच्छे, जो भी डी पे गए हैं एकदम धमाल मचा दिए। ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण क्या करता है कि जो प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग प्रकृति होती है उस घटना को ये क्या करता है, पुष्टि करता है, कंफर्म करता है कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मोड़ना। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल। अब देखिए यहां पे ठीक है, ये आपका अवरोध है ठीक है, और यहां से आपका लाइट जा रही है, यहां से लाइट जा रही है ठीक है, यहां से लाइट जा रही है, ये अवरोध है, और यहां से मान लीजिए ये हवा है, मान लीजिए क्या कि ये एयर है और नीचे आपका पानी है। अब यहां पे गई तो प्रकाश जो है थोड़ा सा क्या करेगी, अपना दिशा जो है हल्का चेंज करेगी, तो इसी को बोलते हैं विवर्तन। इसी को बोलते हैं क्या? 29 विवर्तन, ऑप्शन नंबर डिफ्रैक्शन ठीक है, कमर लचक जाना, समझ जाइएगा। अब कैसे याद रखिएगा, जब डीजे का लाइट बजता है तो कमर क्या होता है, आगे पीछे होता है, आगे पीछे होता है ना, तो अवरोध के किनार पे जैसे ही किनारा पे जाएंगे वैसे ही क्या होता है, लाइट जो है डीजे में डांस करने लगता है, तो क्या होता है, कमर लचकने लगता है, और वही आपका विवर्तन होता है, बर्तन पटक पटक के डांस, डिफ्रैक्शन ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, चांदी का कार्य फलन क्या होता है? वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज, चांदी का कार्य फलन, ए बी सी या डी? क्वेश्चन नंबर 30, डी फॉर डिफ्रैक्शन और डी फॉर डांस, दोनों डी से होता है ठीक है। चांदी का कार्य फलन पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 में, बहुत अच्छे, याद रखिएगा चांदी का कार्य फलन है ना, याद रखिएगा 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो गए हैं एकदम धमाल मचा दिए हैं, एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में याद रखना है ना। चलिए अगला सवाल, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? अब प्लांक है ये, पलंग मत पढ़ लेना, बहुत लोग को पलंग ज्यादा याद आता है, प्लांक नियतांक है ठीक है। द वैल्यू ऑफ प्लांक कॉन्स्टेंट इज, प्लांक कांस्टेंट, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए बहुत अच्छे बच्चे जा रहे हैं, सी के साथ 6.626 10^-30, पावर को भी याद रखना है, पावर को भी याद रखना है, 31 का ऑप्शन नंबर सी ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तैयारी, यही परफॉर्मेंस आपको एग्जाम में जाके दोहराना है, एग्जाम में लगना चाहिए कि अभिषेक ट्यूटोरियल का बच्चा एग्जाम दे रहा है, हॉल के बाहर एग्जाम से निकलेंगे बोलेंगे क्वेश्चन एकदम मैच किया है ना। फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है, फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 32। डायनामिक मास ऑफ फोटोन इज, शून्य, सी एच वाई, सी लैम्डा, सी या डी? 32 का फटाफट आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है, कितना क्वेश्चन होगा सर प्लीज बताइए, मार्केट जाना है। देखो अब ये सब अगर करोगे तो हो गया पढ़ाई, मार्केट में घूमते रहो ठीक है, एकदम फ्री हो जाओ, 7 बजे से एकदम फ्री हो जाना है। अब मार्केट जाओगे किसी को 1 नंबर लग जाएगा, किसी को 2 नंबर लग जाएगा, तो ऐसे पढ़ाई कैसे करोगे भैया। चलिए आंसर आने लगा है 32 का, कुछ सी पे जा रहे हैं, कुछ डी पे जा रहे हैं, आखिर देखना है कि आखिर आंसर आता क्या है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना। 32 चलिए बहुत अच्छे, ABCD सब क्लिक कर दिए हैं, चलिए देख ही लेते हैं, चलिए सभी का आंसर आ गया है, अब यहां पे हम आंसर दे ही देते हैं ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ बिहार बोर्ड के लिए ही है
ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, ऊपर में ही लिखा हुआ है देखो बिहार बोर्ड, निम्नलिखित में कौन सैनी पराबैंगनी परिसर में है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, बताइए निम्नलिखित में कौन श्रेणी जो है पराबैंगनी परिसर में आती है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी या बैकेट श्रेणी, पराबैंगनी। 33, देखो जब भी पूछेगा पराबैंगनी, पराबैंगनी हिंदी तो आप लोग पढ़ते नहीं, इंग्लिश में ध्यान दीजिए, पराबैंगनी पूछेगा यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन पूछेगा, तो आप किसके साथ जाएंगे, अल्ट्रा वायलेट में। 33 याद रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट में लाइमन के साथ जाएंगे, ठीक है, लेमन सोडा पी लेंगे, लाइमन सीरीज होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लाइमन सीरीज। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल, रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी, नाभिकीय घटना, प्राकृतिक घटना, परमाणविक घटना या स्वतः स्फूर्त घटना, कौन इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है ये आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है। देखिए नाभिकीय घटना रेडियो एक्टिविटी है, परमाणविक भी है और ये भी है, लेकिन ये प्राकृतिक घटना है जिसका रेडियो एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं एकदम धमाल मचा दिए है ना। चलिए अगला सवाल, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जबरदस्त तरीके से चलता है, एकदम फटाफट चलता है, ए बी सी या डी, बताइए तेजी से। अब देखो सीधा से एक बात बताते हैं, याद कैसे रहेगा, एक था लड़का और एक थी लड़की, बताइए दोनों को चलने के लिए बोल दिया जाए तो तेजी में कौन चलेगा, लड़का की लड़की, बताइए, तो सिंपल सी बात है, लड़की लोग एकदम धीरे धीरे चलती है क्योंकि आदत होता है हम लोग का स्लो मोशन में चलने का, है ना, स्टाइल तो है ना, स्टाइल कम्स फर्स्ट, लड़का लोग क्या होता है जबरदस्त तेजी तरीके से चलता है, याद रखिएगा बीटा किरणें, बीटा मतलब बॉय, जब भी पूछ देगा तेजी चलने वाला तो मेरा बात याद रखिएगा, लड़का लोग तेजी में चलता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बीटा किरणें, कहीं कहीं लड़कियां भी तेजी में चलती है जब दौड़ने की बात आए तो, पीटी उषा जैसे, ठीक है, नॉर्मल सेंस में बीटा किरणें, ठीक है, बीटा किरणें बहुत फास्ट होती है भैया। अगला सवाल, अल्फा कण, अल्फा कण क्या होता है, अल्फा, अल्फा पार्टिकल इज, अल्फा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, बी सी या डी, चलिए सभी का आंसर आने लगा है, अल्फा पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण, हीलियम नाभिक या हाइड्रोजन नाभिक, हाँ एकदम सच्चाई है, वो बीटा रे जो है एकदम फास्ट होती है, ठीक है, सच्चाई है। 36, अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं भैया, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस, जो भी सी के साथ गए हैं एकदम खुश हो जाएं, एकदम राइट आंसर है आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37, प्रेसी एंटीना की प्रास दी गई है, डी है, ठीक है, टावर की ऊंचाई एच है, पृथ्वी की त्रिज्या आर है, तो बोल रहा है रिलेशन, बताइए कौन सा सही, कौन सा रिलेशन सही होगा, डी का वैल्यू क्या हो, क्वेश्चन नंबर 37, साक्षी ईसा सिंह खूब हंस रहे हैं और छपरा वाले भी खूब हंस रहे हैं। चलिए 37, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 2HR, सही जवाब क्या है 2HR, तो कहां ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, एकदम हंसते हंसते पढ़ना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या होती है, मूल अवस्था में एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, मूल समझ रहे हो, मूल का मतलब क्या होता है, एकदम ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में उसकी ऊर्जा क्या होती है। 38, चलिए जबरदस्त आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 38 का, ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चे जा रहे हैं, एकदम धमा मचा दिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है ना। चल बहुत अच्छे, अगला सवाल याद रखिएगा -13.6 है, क्लियर। चल अगला सवाल, 13, ऑलवेज बी हैप्पी, यस, जब अपद्रव्य को
जब अपद्रव को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है? वेन एंड इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी, ठीक है, इम्प्यूरिटी समझ रहे हैं ना, अशुद्धि को, इज डोप इन टू इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, इट्स कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी या जीरो हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 39। देखिए नैज अर्धचालक अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तो अर्धचालक की जो चालकता होगी उस पर क्या असर पड़ेगा? चलिए बहुत अच्छे याद रखिएगा, इसमें आपका इंक्रीज हो जाता है और बहुत अच्छे अमर तवरेज बिल्कुल सही जवाब है, बढ़ जाती है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, जो भी ए के साथ गए बिल्कुल सही जवाब, नॉर गेट, उस दिन और गेट का दिए थे, आज नॉर गेट का दिए, धीरे धीरे सब करा देंगे। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट, क्वेश्चन नंबर 40, नॉर गेट। चलिए जबरदस्त तरीके से आंसर एकदम आने लगा है, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, एकदम याद रखेंगे, बाय इज इक्वल टू नॉर गेट में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर रहे हैं बच्चे। चलिए बहुत अच्छे, जो भी ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अर्ध तरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में कौन निर्गम आवृत्ति है? Which of the following is correct output frequency for input frequency of 50 hertz in half wave? देखिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है, कभी कभी पूर्ण तरंगी पूछ देता है, यहाँ पे कभी कभी आपका पूर्ण तरंगी पूछ देता है और कभी कभी हाफ वेव पूछता है। देखिए यहाँ पे पूछा है क्या, हाफ वेव, कभी कभी फुल वेव भी पूछ देता है, तो आंसर यहाँ पे ध्यान दे के दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। अब यहां से आपको बता ही देते हैं, अगर हाफ वेव पूछेगा तो सेम रह जाता है, याद रखिएगा, हाफ वेव पूछेगा तो क्या होता है, सेम रह जाता है 41। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, जो भी बी पे गए हैं एकदम धमाल मचा दिया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछ रहा है इसका दशमिक संख्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर, यानी बाइनरी नंबर दिया गया आपसे, डेसिमल नंबर यहां पे पूछ रहा है, किसका क्या होगा, फटाफट आंसर करो बाबू एकदम, बहुत इजी। चलिए बहुत अच्छे आंसर आने लगा है, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी के साथ बच्चे जा रहे हैं, एकदम शानदार आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है बताइए, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इच, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, क्वेश्चन नंबर 43, ए बी सी या डी, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 43। देखिए जो भी बच्चे यहां पे जुड़ रहे हैं याद रखिए 7 बजे से डेली आपकी क्लास चलती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, डेली 7 बजे रात से, और इसके बाद 8:45 में आपकी हिंदी की क्लास भी होगी, ठीक है, तो संपूर्ण तैयारी आपकी और सब्जेक्ट की कराई जा रही है, तो बिल्कुल चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को एकदम दबा लीजिए, ठीक है, ताकि एक भी क्लास आपसे मिस ना हो जाए। चलिए बहुत अच्छी, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चे जा रहे हैं, याद रखिएगा 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है ना। चल अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आपकी सहूलियत के लिए मैं क्लास की इंफॉर्मेशन 3-4 बार मैं ग्रुप में भेज देता हूं, ताकि एक भी बच्चा का आपका छूटे नहीं, 3-4 बार भेजता हूं, एक बार नहीं भेजता हूं, 3-4 बार इंफॉर्मेशन क्लास की भेज देता हूं। एक्सलेंट नॉट की वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 44 बताइए फटाफट, एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, 8.854 × 10⁻¹⁹ होता है, ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल यहां पे देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा, फिजिक्स बोरिंग क्यों है? अब इसका जवाब तो बहुत सोच के देना पड़ेगा क्योंकि नाम है इसका फिजिक्स, है ना। क्वेश्चन, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, बायो, बायो में बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? बायो के स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कौन है, सबको बायो ही आएगा। चलिए 45 का आंसर आ चुका है और मैथ वाले बच्चे बोलेंगे मैथ। याद रखिएगा 1 dy = 10 to the power -30, ऑप्शन नंबर सी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए फटाफट आंसर आने लगा है जबरदस्त तरीके से, क्लियर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो, सब हंस दिया, बायो का नाम लेने पर क्यों हंस देते हो जी, बायो में ऐसा क्या है, सब बहुत तेज लड़का है सब, 5G बेकार में जो है रिलायंस ला रहा है, 5G क्या, 6G अभी के बच्चा के पास है, दिमाग जो अभी का सब 6G है ना, 5G का ला रहा है, 6G लाना चाहिए। ए और बी के बीच समतुल्य धारा, बोलिए कुछ मीनिंग कहीं और निकाल लेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, बताइए ए और बी के बीच समतुल्य धारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत इजी सवाल है, कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी 46, एक एक बच्चा का आंसर सही आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 46 में, एक भी गलत नहीं करेगा। सी बी सभी आंसर आने लगे, चलिए बहुत अच्छे, आंसर आना शुरू हो गया है 46 का, सी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आंसर किए, 3C इज द राइट आंसर, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि ये समानांतर में है, अगर पैरेलल में होता तो C/3 हो जाता, ठीक है, अगर ये पैरेलल होता तो। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। उसी तरह से एक फिजिक्स के टीचर थे, ठीक है, अब बायो वाले सर के क्लास में गए और उनसे सिर्फ ये पूछे कि सर बायो पढ़ाने में खूब मजा आता है ना, लो पूरा क्लास हंसने लग गया, ठीक है, ऐसे बोले सर बायो पढ़ाने में बहुत मजा आता है ना, अब पूरा क्लास हंसने लग गया। बेचारे सर तो हंस ही नहीं पाए क्योंकि वो थोड़े एजेड थे तो हंस ही नहीं पाए, लेकिन समझ तक गए कि किस लिए हंसा। बताइए कौन सा रिलेशन सही है, क्वेश्चन नंबर 47। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा मान सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन सही है ये आपसे पूछ रहा है, कौन सा रिलेशन सही है। इस क्लास में अगर सबसे ज्यादा कोई हंसता है तो वह है छपड़े वाले, और एक है राहुल जी, ठीक है, और एक है मुस्कान जी, तीन लोग, लड़का में दो गो है, वो छपरा और एक है राहुल, है ना, लड़की में एक है मुस्कान और एक और है ईशा सृष्टि, है ना। निम्नलिखित में कौन समझ सही है, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए 48 का आंसर आ चुका है, धारा घनत्व बराबर ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं, एकदम जबरदस्त आंसर आ रहा है, चलिए बहुत अच्छे, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के लिए कौन संबंध सही है, क्वेश्चन नंबर 49 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कौन सा संबंध सही है। फिजिक्स वाले सर को बायो से दिक्कत होता है, बायो वाले को फिजिक्स सर, सर क्यों सर, नहीं नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, चलिए 49,
चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे सैली स्मार्ट सभी लोग का आंसर सही है। क्या नाम है, शिव बच्चन भाई आपका भी आंसर सही है, अनिल यादव। चलिए अगला सवाल, अब देखिए आई का मान क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो फिगर दिया गया है द वैल्यू ऑफ आई इन फिगर, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी सवाल, ठीक है। आई का मान पूछ रहा है कि आई की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 15। सर नेम मुस्कान है तो हंसेंगे ना, नहीं हंसिए नहीं मुस्कुराइए, नाम मुस्कान है, नाम आपका हंसी नहीं है, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, चलिए आ चुका है 50 का आंसर, 10 20 30 10 40 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए जो भी सी पे क्लिक किए जबरदस्त, एक भी बच्चा इसमें गलत नहीं करेगा, चलिए सभी का आंसर सही है, ठीक है। देखो सैलिक ने जवाब दे दिया है, एक बच्चा एक लड़की पूछ रही थी ना, तो सैलिक बोला है सर बायो वाले के पास इंजेक्शन रहता है इसीलिए डरता है, और फिजिक्स वाले के पास क्या रहता है बताओ। क्वेश्चन नंबर 51, इंजेक्शन रहता है तो इंजेक्शन में करंट लगा देगा, लगाने से पहले ही करंट लग जाएगा डॉक्टर स्वाहा, है ना, तो फिजिक्स वाला सुलझना नहीं, तुम इंजेक्शन लेके जाएगा इंजेक्शन में वो करंट दौड़ा देगा। प्रतिरोध द्वारा सी या डी, क्वेश्चन नंबर 51, विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर बाय पोटेंशियोमीटर। प्रतिरोध धारा सेल का ईएमएफ या इनमें से कोई नहीं, 51 का फटाफट आंसर करेंगे, थोड़ी बहुत क्लास में मस्ती चलनी चाहिए, है ना, इसे दिमाग क्या होता है फ्रेश होता है। याद रखिएगा विभव मापी से क्या मापा जाता है, 51 सेल का ईएमएफ, है ना, क्या मापा जाता है बाबू, सेल का ईएमएफ, ऑप्शन नंबर सी हमेशा याद रखिएगा, विभव मापी से हम सेल का ईएमएफ मापते हैं। चलिए बहुत अच्छे संजीव, बिल्कुल सही जवाब है, जो भी सी पे क्लिक किए। अगला सवाल, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 52। बहुत इजी क्वेश्चन है 52, 100% आंसर आना चाहिए, एक एक बच्चा का सही आंसर आना चाहिए 52 में। सम्राट आदि सर मजा आता है, हाँ बहुत मजा लेते हो तुम, समझ रहे हैं, ज्यादा मजा नहीं लेना, 52। चलिए बहुत अच्छे 52 का आंसर आ चुका है, 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है, एक एक बच्चा का आंसर सही होना चाहिए। देखो मजे लेने के चक्कर में बी पे क्लिक कर दिए, बी नहीं सी, ठीक है, ज्यादा मजा नहीं लेना है, घबरा दोगे, यहाँ पे पावर 4 है, पावर 6 होगा, ठीक है ना। एक टेस्ला का मान क्या होता है, इसमें देखना, दांत पकड़ के रखना दांत टूट जाएगा, वो ट्रिक बताने वाले हैं, दांत पे हाथ रख लो नहीं तो दांत बाहर आ जाएगा बाबू। एक टेस्ला बराबर क्या होता है, 53। अब देखो एक टेस्ला बराबर होता है क्या है, पहले 53 ध्यान से देखिएगा, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें याद कैसे रखेंगे, ठीक है, इसमें याद कैसे रखेंगे, 1 टेस्ला तो याद रखिएगा, 1 टेस्ला जो है पानी लाने के लिए भाभी खड़ी थी, 1 टेस्ला, ठीक है, ठीक है, जैसे ही 1 टेस्ला देखा यानी भाभी को देखा, है ना, एक देवर आया, है ना, और बांस पे दोगुना उछल गया, समझ रहे हो, 1 टेस्ला पानी भरने के लिए एक देवर आया, है ना, और इतना जोर से उछला कि उसके दोनों टिक्की खड़े हो गए, कितने खड़े हो गए, दोनों टिक्की खड़े हो गए, 1 टेस्ला पानी के लिए देवर इतना जोर से उछला कि उसके दोनों टिक्की खड़े हो गए। तो 53 का सही जवाब क्या है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, देवर उछला दोनों टिक्की उठा लिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ तसला है, तसला समझते हो ना, तसला नहीं समझते हो, आपको ये नहीं बोला सर तसला क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 54। मास्टर ऑफ क्रिमिनल, अच्छा जुड़े हुए हैं अभी,
ठीक है, तसला दिख गया तो कौन आएगा, बेबर ही आएगा। तो बेबर जो आया इतना जोर से उछला, आजकल तो जान भी करते हो लड़का लोग कैसा बाल रखता है, आगे से कटा, तो दोनों टिक्की एकदम ऊपर उछल गया। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हुआ, 54 का आंसर आ चुका है, 54 ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छे अंकित, इतना इतना आंसर करोगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। चलिए बहुत अच्छे दिव्या, बिल्कुल सही जवाब आपका भी आ रहा है, आर्मी बॉय संतोष, चलिए सभी कहां से सही आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, क्वेश्चन नंबर 55 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी के साथ जा रहे हैं, इसको एकदम रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा आपसे 56 में, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, फटाफट आंसर करेंगे कि भैया एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 56। फोटोन की ऊर्जा, चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं और एकदम धमाल मचाते हुए ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे जबरदस्त। चलिए अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 57, ये तो सभी को पता होगा, इसका आंसर नहीं होगा तो फिजिक्स है ना, फिजिक्स पढ़ना ही बेकार है, 1.6 × 10⁻¹। ठीक है, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, 57 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे जबरदस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या सही है, 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सही है, क्या बात है, करण कुमार की भी हंसी आपको छूट रही है जबरदस्त तरीके से। निम्नलिखित में कौन सही है, क्वेश्चन नंबर 58। चलिए बहुत अच्छे, 58 का आंसर आने लगा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अगला, द्विआधारी योग के लिए क्या सही नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी एडिशन, द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में क्या सही है, देखो जो भी जुड़ रहे हो एकदम डेली क्लास में आया करो, है ना, एक दिन भी क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जहां मिस हो गई है ना, कोई चीज मिस नहीं करना, नहीं तो एग्जाम में केक खुजते रह जाओगे एम की जगह, ठीक है, मास्टर जी का। तो 7 PM में आपकी क्लास चल रही है डेली फिजिक्स केमिस्ट्री की, इसके बाद 8:45 में जो है, 8:45 में जो है किसकी क्लास है, तो हिंदी और इंग्लिश की क्लास डेली हो रही है, संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, संडे हो या मंडे क्लास डेली हो रही है, इवन आपके दशहरा में भी क्लास होगा, ठीक है, सिर्फ क्लास नहीं होगा कब, तो नौवीं और दसवीं को सिर्फ क्लास नहीं होगी, नौवीं और दसवीं को सिर्फ क्लास नहीं होगा, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर क्लास नहीं होगा, बाकी 8वीं 7वीं सब दिन क्लास होगा, सब दिन मेला नहीं घूमना है। चलिए 59 का आंसर आ चुका है, सब सही है लेकिन 1+1=1 होता है, ये गलत है, है ना, कई बार बताए हुए हैं। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, अब देखिए किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी जो है 1 है, सेकेंडरी जो है N2 है, तो बोल रहा है क्या होगा, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल N1 एंड N2 रिस्पेक्टली दें, क्वेश्चन नंबर 60, क्योंकि दशहरा में हम भी बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं हम भी, ठीक है, तो इसीलिए 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 60 फटाफट आंसर करेंगे। देखिए याद रखिएगा N2 जो होता है, N2 का मान हमेशा N1 से क्या होता है, बड़ा होता है, इसको एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, N1 lesser than N2,
तो दोनों आंसर सही है, एन वन छोटा होगा या एन टू बड़ा होगा, है तो एक ही चीज ना, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो सही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूज नहीं हो जाना है, सिर्फ ये याद रखना है कि एन टू जो है बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसके तरफ हंस देना है, ठीक है। एन टू बड़ा है तो एन टू की तरफ हंस दीजिएगा, हमेशा देखिएगा एग्जाम में ये चीज याद रखिएगा कि हमेशा हंसना किधर है, तो एन टू की तरफ ही मुंह खोल के हंसना है, एन टू की तरफ मुंह खोल के हंसना है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, गलती मत कर देना एग्जाम में। अगला सवाल, हाइड्रोजन बंधक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन विजिबल रीजन। देखो देखो अंकित हंस दिया, क्या बात है, सुशील कुमार भी हंस रहे हैं। हाइड्रोजन बंधक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? सर मुंगेर आइए कभी, मुंगेर तो कभी नहीं गया हूं, कब सर? हाँ दशहरे में मैं बिहार में ही रहूंगा, पटना घूमूंगा, नौमी को पटना में घूमने आऊंगा, ठीक है, पटना घूमेंगे नौमी को। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आ चुका है, याद रखिएगा दृश्य भाग पूछेगा, दृश्य भाग जब भी पूछेगा, विजुअल रीजन पूछेगा, तो याद रखिएगा एगो बंदर दिखा था, बानर है ना, बामर श्रेणी, 61 ऑप्शन नंबर ए है ना, बामर श्रेणी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन बैंक से कब शुरू होगा, अगर 2000 वाला क्वेश्चन अगर रिपीट कर लोगे ना तो क्वेश्चन बैंक का अधिकांश क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, हालांकि 2000 करने के बाद हम क्वेश्चन बैंक भी शुरू करेंगे। इत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 62। सर विक्रमगंज आइएगा, ठीक है बिल्कुल सर, हम सबको देख हंसते हुए देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, चलिए तो दिल बहुत बड़ा है आपका। चलिए 62 का आंसर आ चुका है, फोकस दूरी 1 मीटर है तो शक्ति क्या होगी, जी हाँ सब्जेक्टिव भी होगा, टेंशन नहीं लेना है, सब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव के बारे में पहले ही बोल दिया रोमियो, अब तो मेरा नाम ले लिए हैं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी, अगला सवाल, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक लड़का हमसे क्लास में बोला, सर लड़का का दिल बहुत बड़ा होता है, लड़का किसी को हंसते हुए देखता है ना तो बहुत खुश हो जाता है, तो हम बोले कैसे लड़की लोग खुश नहीं होगी, नहीं सर लड़की अगर जाते रहेगी ना उसको देख के हंस दीजिएगा तो चेहरा ऐसे बना लेंगे जैसे लगता है कि है ना, जैसे लगता है कि आप नजर लगा दिए उसको, लेकिन वही उल्टा अगर कोई लड़का जा रहा है कोई लड़की देख के हंस दे तो लड़का 3-4 बढ़ते हैं से, तो हम बोले हम बात में तो दम है इसका, लॉजिक क्या दिया है नहीं। 63 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या सही है, क्वेश्चन नंबर 63, घबरा नहीं 63 में, चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बच्चे एकदम धमाल मचा दिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 64, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय थिन प्रिज्म इज। आनंद राज सर चिकन खा रहे हैं, हाँ अकेले अकेले चिकन खाइए, सबको लालच भराइए। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 64, चलिए बहुत अच्छे याद रखिएगा 64। सर मेरी दीदी भी पिछले ईयर आपसे ही पढ़ी थी, चलिए थैंक यू। 64 का ऑप्शन नंबर सी के साथ बच्चे जा रहे हैं, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 65, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में भौतिक राशि नहीं बदलता, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डजंट चेंज इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तीव्रता वेग तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 65 का फटाफट आंसर करेंगे, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डजंट चेंज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सर जी हमारे यहाँ भी चिकन बना है, मम्मी बुला रही है खाने को, नहीं नहीं हम तो
चिकन उतन तो हम खाते नहीं है, शाकाहारी आदमी है। 65 नहीं, शाकाहारी नहीं बोल सकते, अंडा खाते हैं हम, ठीक है, सिर्फ मांस मछली नहीं खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी सब बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी सब बदलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, यदि हवा में प्रकाश का वेग va है और पानी में प्रकाश का वेग vw है तो क्या होगा। 66, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर va एंड वाटर vw तो क्या होगा। 66, सिंपल सी बात है, प्रकाश का वेग हवा में, ठीक है, और पानी में अगर पूछा जाए तो हवा में वो क्या होगा, प्रकाश का वेग अधिक होगा, पानी में क्या होगा, कम होगा। बहुत इजी सवाल, तो हवा में ग्रेटर हो जाएगा। हम सब खाते हैं, हाँ पहले हम भी सब खाते थे लेकिन अब छोड़ दिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, ऐसा नहीं कि हम बचपन से खाए नहीं है, खाते थे, बस दिल किया छोड़ देने का तो छोड़ दिए। जल के लिए क्रांति कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज, जल के लिए क्रांति कोण क्या होता है, जल के लिए। 67, 24.4 नहीं है, ये तो आपको हीरा में पढ़ाए थे, जल के लिए पूछ रहे हैं, जल के याद रखिएगा, जल के लिए 48.75, ऑप्शन नंबर डी, जल के लिए ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है ना। चल जबरदस्त तरीके से सही आंसर आ चुका है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है। देखिए 8:45 में आपकी हिंदी की क्लास होने वाली है, ठीक है, जुड़ना है उसमें भी। चलिए 68 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जाएंगे एकदम धमा मचा देंगे, क्लियर है। चलो अगला सवाल, देखो यहां पे कलांतर पूछ रहा है, ठीक है, कलांतर में ए के साथ जाएंगे, ठीक है, सिर्फ रचनात्मक मत जाइएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए क्या सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो आई के लिए हमेशा याद रखिएगा, आई जो है प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं, बहुत अच्छे जबरदस्त आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसको तुम ध्यान में रखिएगा। कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है, फोकल लें तो आप पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज, कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 70। देखो कांच के समानांतर सतह की पट्टी की जो फोकस दूरी होती है ना वो अनंत होती है, क्या होता है, इंफिनिटी, अनंत होता है, ऑप्शन नंबर बी, 100 सेंटीमीटर नहीं, ऑप्शन नंबर बी अनंत होता है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने 70 क्वेश्चन किए, ठीक है, कितना सही हुआ क्लास के बाद कॉमेंट करके बताना। अब देखिए अगली क्लास जो लगी हुई है, टॉपर का नाम भी बताएंगे, कल जो केमिस्ट्री का क्लास हुआ था उसके टॉपर कौन थे ये भी बताएंगे, और अभी जो फिजिक्स क्लास हुआ है इसके टॉपर कौन होंगे वो कल केमिस्ट्री क्लास के लास्ट में बताएंगे। के शुभ अवसर पर आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर लाया गया है इस चैनल की तरफ से। 2023 में अगर आप इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें, अभी तक बहुत टेंशन में हैं क्या कि हम किस तरीके से 80-90% लाएं, सब्जेक्टिव, खासकर छात्रों का टेंशन है कि सब्जेक्टिव में हम क्या पढ़ें, तो इसके लिए आप आसानी से आप सब्जेक्टिव नोट्स इस चैनल की तरफ से दिया जा रहा है जिसे पढ़कर सिर्फ आप 80-90% मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अगर आप ये नोट्स लेने की इच्छुक हैं तो अभी सब्जेक्ट जो दिया जा रहा है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का नोट्स जो है अभी अवेलेबल करा दिया गया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके जो फी है वो 400 फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का 400 है और बायो का 350 है, जिसकी गारंटी है कि इससे बाहर आपका सब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। अगर आप तीन सब्जेक्ट लेते हैं एक साथ तो आपको 1000 रुपये लगते हैं, ठीक है, 1000 रुपये में आप फिजिक्स भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री भी ले सकते हैं और बायो भी ले सकते हैं।
सकते हैं। उसके बाद कोई मैथ का स्टूडेंट है तो वो भी 1000 रुपये में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लें कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ये आपका QR स्कैन कोड दिया गया है, आप इसे स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं या 9504510500 पे गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर भी यही है आपका, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा अपने पेमेंट का। उसके बाद जो है तुरंत बाद आपको PDF जो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो देर बिल्कुल ना करें, 2023 परीक्षा के लिए 100% अगर तैयार होना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 400 रुपये में पूरी तैयारी कराई जा रही है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर लें और आज से ही जुड़ जाएँ, ठीक है। और फ्री क्लासेज जो चल रही है वो रेगुलर आपकी चलती रहेगी।